नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का चौथा वनडे मुकाबला मोहाली में खेला जा रहा है। ये मैच रोमांचक होता जा रहा है। टीम इंडिया ने यहाँ पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और स्कोर बोर्ड पर 358 रन लगा दिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम को यहाँ पे जीत के लिए 359 रनों की जरूरत थी। शुरुआत में दो झटके जरूर लगे, लेकिन उसके बाद उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंडसकम्प के बीच एक मजबूत साझेदारी दिखी, जहाँ भारतीय टीम चौथे ओवर में दूसरा झटका ऑस्ट्रेलिया को दे दी थी। वहीं तीसरे झटके के लिए भारतीय टीम को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा और 33वीं ओवर में जाके भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिली और वो तीसरी सफलता दिलाई जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया। अपने शतक के बहुत ज़्यादा करीब थे उस्मान ख्वाजा, शतक बना नहीं पाए। यहाँ पे 91 रन बनाकर आउट हो गए। 99 गेंदों का सामना किया और यहाँ पे आउट हो गए, कैच आउट हुए। कुलदीप यादव ने इनका कैच पकड़ा। शानदार तरीके से आज बल्लेबाजी कर रहे थे और ज़रूरत भी थी, क्योंकि यहाँ पे टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पे बहुत ज़्यादा रन्स लगा दिए थे। ऐसे में ज़रूरत थी कि एक मजबूत पार्टनरशिप देखने को मिले। वहीं शॉन मार्स का आज बल्ला शांत रहा, सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए और अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं पीटर हैंडसकम्प अपने शतक से सिर्फ 1 रन दूर हैं। यहाँ पे 99 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब तक सिर्फ 88 गेंदों का सामना किया है हैंडसकम्प ने और इस बीच इनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के लगे हैं। तो शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार 34वां ओवर डालने आए हैं। अगर भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी की बात करें तो शानदार तरीके से आज भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की। पहला ही ओवर भुवनेश्वर कुमार जब डाल रहे थे इंडिया के लिए भी और अपना पहला ओवर, तो उसमें चौथे गेंद पर कप्तान एरॉन फिंच को आउट किया। कप्तान एरॉन फिंच पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, 93 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन आज एक बार फिर से 0 पर आउट हुए। लेकिन यहाँ पे उस्मान ख्वाजा भले ही आउट हो गए 91 रन बना के, लेकिन उसके बाद मैक्सवेल बल्लेबाजी करने हैं। मैक्सवेल आपको पता है शानदार लय में है और आते ही 2 चौके जड़ दिए जसप्रीत बुमराह की गेंद पर और शानदार तरीके से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। लय बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्लेन मैक्सवेल का जो फॉर्म इनका दिखा है T20 से, उसके बाद इनका फॉर्म गया ही नहीं है। लगातार तीनों चारों वनडे में आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम को यहाँ पे उम्मीद होगी कि एक मजबूत पार्टनरशिप हो पीटर हैंडसकम्प और ग्लेन मैक्सवेल के बीच। अभी भी पीटर हैंडसकम्प अपने शतक को पूरा नहीं कर पाए हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम 34वीं ओवर की तीसरी गेंद तक 214 रन बनाकर खेल रही है। वहीं अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पे गेंदबाजी अभी तक ठीक ठाक की है। विकेट सिर्फ 3 ही हाथ में आए, वो भी हमारे पेसर्स ने दिलाए हैं। स्पिनर्स ने कुछ खास अभी तक यहाँ पे किया नहीं है और ड्यू फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 3 मुकाबले जो इस सीरीज के खेले गए थे वहाँ पे ड्यू फैक्टर इतना देखने को नहीं मिला था, लेकिन मोहाली का जो ग्राउंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यू है और इसकी वजह से टर्न गेंदबाजों को मिल नहीं रहा है, खासतौर पर हमारे स्पिनर्स को। कुलदीप यादव ने अभी तक यहाँ पे 7 ओवर की गेंदबाजी कर ली है, 37 रन दिए हैं। वहीं अगर बात करें युजवेंद्र चहल की, तो चहल ने भी 6 ओवर की गेंदबाजी की है, 41 रन दिए हैं। और भुवनेश्वर कुमार अभी शानदार तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 ओवर डाल चुके हैं 34वें ओवर का और यहाँ पर अभी सिर्फ 1 रन दिया है। वहीं हैंडसकम्प अब अपना शतक पूरा कर लिया है इन्होंने, 91 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी है और इनको सेंचुरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखना होगा कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई टीम क्या ये मैच जीत पाती है कि नहीं। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ये मैच जीता तो सीरीज 2-2 से बराबरी पर हो जाएगा। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम ये मैच गंवाती है तो यहाँ पे भारतीय टीम इस सीरीज पर कब्जा कर लेगी और यहाँ पे अभी रन्स बहुत चाहिए। 92 गेंदों का खेल बचा हुआ है यहाँ से और 145 रन चाहिए। वहीं अगर रन रेट की हम यहाँ पे बात करें तो रन रेट 9.49 का रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट है, वो करंट रन रेट 6 के ऊपर है, अभी 6.17 का है। तो शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम की बल्लेबाजी देख रही है और ग्लेन मैक्सवेल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगी ऑस्ट्रेलिया टीम, क्योंकि अगर यहाँ से 2 बल्लेबाज हैं, अगर ये दोनों बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो फिर भारत के हाथ में ये मैच है, ऑस्ट्रेलिया इस मैच को नहीं जीत सकता। लेकिन अगर ये दोनों बल्लेबाज शानदार तरीके से खेलते रहे और एंड तक खेलते रहे तो आसानी से ऑस्ट्रेलिया टीम को मैच जिता देंगे, क्योंकि ये बैटिंग पिच है और टीम इंडिया ने भी शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, खासतौर पर शिखर धवन और रोहित शर्मा ने। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंडसकम्प अभी हैंडसकम्प बल्लेबाजी कर ही रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पे आगे बल्लेबाजी करती है और क्या ये मैच बचा पाती है कि नहीं। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम लगातार बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट इन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और हम बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।